शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग की वजह से देश का गेहूं निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ टन के पार जाने की उम्मीद है। गेहूं निर्यात 2021-22 में 70 लाख टन यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक को पार कर गया था, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 21.55 लाख टन रहा था। वर्ष 2019 में यह महज 2 लाख टन यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए रहा था। पीयूष गोयल ने कहा कि हम बड़े पैमाने पर गेहूं निर्यात जारी रखेंगे और उन देशों की जरूरतें पूरी करेंगे जिन्हें संघर्षरत क्षेत्रों से आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। मेरा मानना है कि इस बार हमारा गेहूं निर्यात बहुत आसानी से 100 लाख टन के पार निकल जाएगा। गेहूं की वैश्विक आपूर्ति में रूस और यूक्रेन की करीब 1/4 हिस्सेदारी रहती आई है। इन दोनों देशों में गेहूं की फसल इस साल अगस्त और सितंबर में पक जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि किसान भी गेहूं का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं और गुजरात तथा मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों से पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक आयात हो रहा है। गेहूं निर्यात के बारे में मिस्र से भारत की अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, जबकि चीन और तुर्की के साथ भी संवाद चल रहा है। इस अवसर पर विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT ने कहा कि अन्य बंदरगाहों से निर्यात सुगम बनाने के लिए वाणिज्य विभाग, खाद्य एवं जन सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यादातर निर्यात कांडला बंदरगाह से होता है। विशाखापट्टनम, काकीनाडा और नहावा शेवा जैसे बंदरगाहों से गेहूं निर्यात शुरू करने के लिए रेलवे से बातचीत चल रही है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।